जेसी बॉस YMCA यूनिवर्सिटी से सामाजिक पहल की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर दिनेश कुमार और रजिस्ट्रार सुनील गर्ग ने गरीब दिहाड़ी मजदूरों को खाना वितरित किया। मजदूरों में वितरित किया गया खाना यूनिवर्सिटी की मेस में ही तैयार किया गया और फिर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों को दायरे में रखते हुए सभी को बांटा गया। देखिए, हमारी यूनिवर्सिटी में कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत दिनों से चल रहा है और बहुत सारे लगभग 200-250 के करीब यहाँ कर्मचारी जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, वो अपनी जो रोटी रोजी है वो इस कैंपस के माध्यम से चलती थी इनकी। अब सारा कैंपस में जो काम है वो बंद हो गया है, उस वजह से बड़ी परेशानी है। तो हमने आज सोचा कि एक दिन का जो लंच का प्रोग्राम है अपनी यूनिवर्सिटी से करें, और भी आगे आने वाले समय में मैं अपनी यूनिवर्सिटी के टीचर्स और जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट कर रहा हूँ कि इनको जो सूखा राशन है उसको देने की व्यवस्था की जाए। तो ये सभी को करना चाहिए, समाज में सभी लोग कर रहे हैं और एक छोटी सी हमारी तरफ से शुरुआत है। हमारे रजिस्ट्रार हमारे साथ में है, सुनील गर्ग जी एक्शन हैं, तनेजा जी कंट्रोल फॉर एग्जामिनेशन है, राजीव कुमार, तो सभी लोग इस काम में लगे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले जेसी बॉस YMCA यूनिवर्सिटी हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में 25,000 रुपए दे चुकी है और अपनी यूनिवर्सिटी के वाइस हॉस्टल को भी क्वारंटाइन करने के लिए सरकार के सामने पेश कर चुकी है।